तो दोस्तों, एक नया वीडियो मैं आप सभी लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला है यहाँ पे कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करें आप यहाँ पे पूरा वीडियो एंड तक देखें, ताकि सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे पता चल सके। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी वीडियोज डेली लाते रहता हूँ। और अगर आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड अप्लाई करना चाहते हैं तो वेरियस एप्लीकेशंस ओपन हैं। आप डिस्क्रिप्शन में वेरियस लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी आपके लिए वीडियो डालूँ आपको यहाँ पे सबसे पहले अपडेट मिले। और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप सभी के लिए यहाँ पे वीडियो बनाते के लिए रहने के लिए। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं, और यहाँ पे मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग एलिजिबल हों या फिर इंटरेस्टेड हो इस अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड या इंटर्नशिप्स के रिलेटेड अप्लाई करने के, वो सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाए। तो चलते वीडियो को शुरू। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले अपडेट की वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पे विप्रो की तरफ से निकाली गई है, जहाँ पे इलाइट NTH 2020 जो भी पास आउट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है। तो इलाइट नेशनल टैलेंट हंट 2020 इज आर फ्रेशर्स हायरिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ 2022 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अक्रॉस द कंट्री। वी आर एनेबलिंग, तो भी जो भी मतलब जो भी विप्रो में अगर आप करियर ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होने वाली है वो 23 अगस्त को होने वाली है, और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअल में। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो एंड हो जाएगा वो 15 सितंबर को। मेक श्योर करें आप उससे पहले पहले अप्लाई कर लें। ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है यहाँ पे 25th से 27th। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बीटेक कर रहे हैं आप, कंपलसरी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे MEMTech कर सकते हैं, या और उसके बाद यहाँ पे ऑल ब्रांचेस एक्सेप्ट फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी, अगर आप इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं जो 2022 पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 6 CGPA चाहिए होगी। ओनली फुल टाइम कोर्सेज, नो पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंट्स। और 10th और 12th में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हर एक में 60% अबव होनी चाहिए। तो इसलिए में 25 ईयर्स है 2022 के पास आउट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ऑल ब्रांचेस अलाउड, सिर्फ फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। डेजिग्नेशन की बात करें तो यहाँ पे किस रोल के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर रोल के लिए यहाँ पे निकाली गई है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनसेशन देख सकते हैं 3.5 लाख पर एनम की यहाँ पे मिलने वाली। उसके बाद सर्विस अग्रीमेंट, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर 12 मंथ्स पोस्ट ज्वाइनिंग। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अदर क्राइटेरिया, 1 बैकलॉग इज अलाउ एट द टाइम ऑफ असेसमेंट स्टेज। तो ऑफर विल बी सब्जेक्ट टू ऑल द बैकलॉग्स बीइंग क्लियर। 2022 मैक्सिमम 3 ईयर्स ऑफ गैप इन एडुकेशनल अलाउड। कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय द विप्रो इन द लास्ट 6 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने पहले ही यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं या फिर विप्रो के कोई भी करियर के रिलेटेड अप्लाई किया और आपको सिलेक्ट नहीं किया गया तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद शुड बी इन सिटीजन और शुड होल्ड PIO और OCI कार्ड। भूटान एंड नेपाल नेशनल्स नीड टू सबमिट देयर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। तो इवैल्यूएशन कैसे होने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है आपको यहाँ पे, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है जो डेट है 21 से 25। उसके बाद यहाँ पे आपकी शायद यहाँ पे इंटरव्यू राउंड या फिर बिजनेस डिस्कशन होने वाली है। उसके बाद LOI होने वाला है। उसके बाद ऑफर लेटर, मतलब ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा। तो ऑनलाइन असेसमेंट में 128 मिनट्स की होने वाली है। 3 सेक्शंस होने वाला है एप्टीट्यूड, जिसमें आपको यहाँ पे लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश और डिफरेंट चीज़ें टेस्ट की जाएगी। तो 48 मिनट्स की होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए आपके यहाँ पे ऐसे जो 20 मिनट्स की होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग पे कितनी कमांड्स हैं तो वो चेक किया जाएगा। तो लास्ट डेट देख सकते हैं 15 सितंबर है। तो मेक श्योर आप अप्लाई कर लें। ऑनलाइन असेसमेंट होने वाले 25 सितंबर से 27 होने वाले। तो मेक श्योर करिए आप यहाँ पे रजिस्टर करके इसको अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे जो 2022 पास आउट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करिए आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, ताकि जो भी 2022 के पास आउट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर पाए। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे एडोब इमर्ज प्रोग्राम 2021, मतलब जो भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे लीडो की तरफ से यहाँ पे निकाली गई, जहाँ पे SDD मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन टेस्ट इंटर्न। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट रोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एक्सीलेंट डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्टिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो टेक्स्टा की बात कर लेते हैं यहाँ पे नोड JS, React, HTML, CSS और AWS। स्किल्स की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिंग आनी चाहिए, साथ ही साथ HTTP, JavaScript, Jenkins, टेस्ट ऑटोमेशन और एप एम्बलम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए फॉर्म को यहाँ पे फिल आउट करना है और अप्लाई कर लेना है इस इंटर्नशिप में। दूसरे इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं यहाँ पे डुंजो की तरफ से यहाँ पे इंटर्नशिप निकाली गई, जहाँ पे सेल्स के रिलेटेड और B2B सेल्स के रिलेटेड यहाँ पे निकाली गई, जहाँ पे आप बैचलर डिग्री यहाँ पे करना चाहते हैं तो ये बैचलर डिग्री है आपके पास और गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको फिल आउट करनी है और अप्लाई कर देनी है इस इंटर्नशिप में। दूसरे इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से निकाली गई, जहाँ पे डेटा साइंस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकाली गई। अगर आपके पास स्किल्स है डेटा साइंस के रिलेटेड तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन लर्निंग डिसिप्लिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो भी होने वाली है ये BTech, MTech और MS डिग्री जो भी कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 7.5 CGPA मिनिमम चाहिए। कैगल स्कोर जो होगा, कैगल जो प्लेटफॉर्म है जो डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट जो यूज़ करते हैं उसके साथ ही मशीन लर्निंग इंजीनियर्स यूज करते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देख सकते हैं आर, मैटलैब्स, स्काईपाई, पांडास और ये भी डिफरेंट पाइथन के लाइब्रेरीज और ये हैं, तो वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद लोकेशंस देख सकते हैं यहाँ पे हैदराबाद, बेंगलुरु और नोएडा, तो तीन लोकेशन दिए हुए हैं इंटर्नशिप की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। तो दूसरे इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं यहाँ पे फुल टाइम एनालिस्ट प्रोग्राम जो भी 2022 के पास आउट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली के साथ की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी फुल टाइम एनालिस्ट रोल के लिए यहाँ पे निकाली गई, जहाँ पे बैचलर डिग्री आप या मास्टर डिग्री परफॉर्म करें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम एनालिस्ट जॉइन इन अगस्त एंड आई हेल्ड प्लेस इनटू डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रोल विद इन टेक्नोलॉजी, द बेस्ट मैचेस देयर स्किल सेट्स एंड इंटरेस्ट। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाली है, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जॉब ऑफर दे दिया जाएगा जो भी 2022 के पास आउट हैं वो उनके लिए। मेक श्योर करें आप यहाँ पे अगर जो भी 2022 के पास आउट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो मेक श्योर करें आप यहाँ पे अप्लाई कर लिए। इस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर आप समर यहाँ पे समर एनालिस्ट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से निकाली गई, जहाँ पे सिटी जो होने वाले मुंबई। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन जो काम करने के लिए मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं समर एनालिस्ट और प्लेसमेंट ड्यूरेशन। समर एनालिस्ट ज्वाइन फॉर 2 months इन द मई ऑफ ईच ईयर। समर एनालिस्ट आर प्लेस इनटू द स्पेसिफिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, बोथ ऑफ विच आर डेजिग्नेटेड और डिजाइन टू ऑफर अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस दैट विल डेमोन्स्ट्रेट द फर्स्ट हैंड वॉटर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के रिलेटेड चीजें सिखाई जाएगी पहले 2 महीने, उसके बाद यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात कर लेती है बैचलर्स मास्टर्स स्टूडेंट्स है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड्स में हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिफरेंट स्किल्स के रिलेटेड आनी चाहिए। और तो इस लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी 2022 पास आउट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करें इसलिए तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी 2022 पास आउट है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंटर्नशिप की, यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप निकाली गई, जहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए बात कर लेते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग प्रेफर्ड, आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस होनी चाहिए यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर कर आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। तो इस तरह से आप ये सारी इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी वीडियोस लेके आता रहूं। और अगर आप अगर अभी तक नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।